हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 14 अप्रैल है तो हम लोग पहुंचे हुए हैं गर्दनी बाग धरना। डीएम सर हम लोग को बोले थे कि आप लोग 14 तारीख को धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट सर बोले हैं कि डेट आगे बढ़ाइए और उसी दिन धरना प्रदर्शन कीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ है आज। देखिए, हम लोग बिहार से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जी। हम लोगों को नीतीश कुमार ने पहले आरक्षण दिया कि आप लोग जितने भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को 40% अलग से सीट रिजर्व किया जाता है। और जितने भी मतलब वो आरक्षण का हम लोग का मतलब ये था कि अगर जो भी बच्चे हायर परसेंटेज वाले थे उनको कि 60 में क्वालिफाई करना था। यहाँ आयोग ने क्या किया कि डिपार्टमेंट वाइज मतलब पहले मेरिट बनाना चाहिए था इसको 60-40 के आधार पर, तो इन्होंने क्या किया कि नहीं, पहले डिपार्टमेंट बांटना शुरू कर दिया। और वो डिपार्टमेंट के आधार पर हुआ ये कि जो बच्चे हमारे 60 में मेरिट बना रहे थे उनका कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट अगर वहाँ नहीं मिल रहा था तो वो आके 40 में मेरिट बना दिए। इससे हुआ क्या कि हमारे 2500 स्टूडेंट जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मतलब पूरा गरीबी से अपना सारा शिक्षा को ग्रहण किया है, कोई इसमें बहुत बड़ा बाप का बेटा नहीं होता है, इसी के चलते हमारे नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे सीट को रिजर्व किए थे कि 40% हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जो कि हमारा नियमावली में साफ दिख रहा है ये चीज़, ठीक है ना, उसको कि नीतीश कुमार जी का ये मतलब सपना था कि हम अपना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट जितना ज़्यादा हो सके गरीब के बच्चे हैं आगे जाके क्वालिफाई करें। दिव्यांग अभ्यर्थियों का क्या मामला था? दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी यही मामला है कि जो बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं उनका भी सीट सेम टू सेम सब मामला यही है। दिव्यांग में तो ये हुआ है कि जो काउंसलिंग कटअप था उससे हायर पॉइंट रखने वाले उनको भी बाहर कर दिया गया है जी। जिनका अभी मेरिट बना है उनसे हायर पॉइंट रखने वाले और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के होके उनको भी बाहर कर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया दिव्यांग के साथ। वो भी आए हुए थे, अभी फिलहाल निकल गए हैं। आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है? जी, मेरा नाम किशन कुमार हुआ। किशन जी कहाँ से आए हैं? ये हम हाजीपुर से आए हैं। क्या फर्जी का क्या मामला है? ये फर्जी का मामला है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग का गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं, गवर्नमेंट के ऐसे स्टूडेंट भी हैं फर्जी में जो हमारा सर्टिफिकेट को स्कैन करके मार्क्स बढ़ा के ये BTSC में भरे हुए हैं, जिन कारण से हम लोग जो हैं अभी वो पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं और ये मेरिट लिस्ट से हम लोग बाहर हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन नहीं हुई है बढ़िया से। नहीं, 3 साल हो गई है, 3 साल ये वैकेंसी नहीं हो गई है, अभी तक विभाग कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं की। 19 में ऐसा हुआ है आप लोगों के? जी, 19 की बहाली थी, आज 22 हो गई जी। कहीं ना कहीं हमेशा विभाग ये बोली कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पेपर में भी आती थी, हर समय आती, लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ वेरिफिकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर वेरिफिकेशन होता तो आज इतने बड़े धांधली नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ है कि तो बिल्कुल भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम विवेक रंजन हुआ। बीते दिनों आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अंदर कुछ साथी आपके गए थे बात करने के लिए, क्या बात हुई थी और क्या कहा गया आयोग की तरफ से? आयोग की तरफ से हमारे चेयरमैन बाला मुरुगन डी सर हैं, जिसके तरफ से ये बोला जा रहा है कि हम सारे बिंदु जितने भी हैं सारे को मतलब अपने स्तर से जाँच किया जा रहा है, लेकिन हम उसके बाद से संतुष्ट नहीं है कि वो सारे स्तर से सारे चीज़ को जाँच कर रहे हैं। बस हम लोग का यही मांग है कि सरकार ने जो हमें रिजर्वेशन दिया आयोग की छीनने की इसकी ताकत नहीं है कि हम लोग का जो आरक्षण सरकार ने दिया आयोग उसे छीन रहा है हम लोग से, जो कि बहुत सरासर।